हाय, सबको नमस्कार। हर बायो पढ़ने वाला ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो नहीं चाहता कि वो डॉक्टर बने, लेकिन जानकारी की कमी, टफ कंपटीशन जैसी कई डर के कारण इन बच्चों के डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मेडिसिन कैसे पढ़ा सकते हैं, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये सोच है ना आपके दिमाग में, ये सोच निकाल दीजिए, क्योंकि आपका साथ दे रहा है ISM EduTech। यस, ISM EduTech में आप बच्चों को ज्वाइन कीजिए। इंडिया में जो मेडिसिन का खर्चा निकलता है उसमें 20% ऑफ खर्चे से आपके बच्चों को अच्छे से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए ISM EduTech आपके सामने आ रहे हैं। ISM EduTech के बारे में और भी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ISM EduTech अधिनेता डॉक्टर फनी भूषण, डॉक्टर भानु प्रकाश। चलो शुरुआत करते हैं। हाय सर, हाउ आर यू? Fine, how about you? I'm good, thank you. सर, ISM के बारे में बताइए, मतलब अभी तो पैंडेमिक चल रहा है, सो वहाँ पे कैसा है, क्या है? ISM EduTech हमारा एक एडुकेशनल कंपनी सकते हैं आप, इस एडुकेशनल कंसल्टेंसी, एडुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एवरीथिंग। सो इस पैंडेमिक सिचुएशन में ISM EduTech ने अपना कंप्लीट रोल कैसे प्ले कर रहा है, इन शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे पास ऑल ओवर ISM EduTech के थ्रू लगभग 5 कंट्री में 10 कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं, 7,000 to 8,000 बच्चे हमारे पास मेडिकल एजुकेशन में हैं। तो हम लोग ये पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे कंट्रोल किया, कैसे हमने मैनेज किया बच्चों को हॉस्टल में बंद करके। इस सिचुएशन में आपको पता है कि बच्चे हर कंट्री में ऑलमोस्ट मार्च 20th के आसपास से इंडिया में और ऑल दीज कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट कर्फ्यू सिचुएशन लागू किया गया, लॉकडाउन कम्प्लीटली था। तो बच्चों को सबको हॉस्टल में रखना है, राइट, बाहर नहीं जा सकते किसी सिचुएशन में। सो हमने इस सिचुएशन कैसे मैनेज किया, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है डिफरेंट कंट्रीज में, इन लोगों ने बच्चों को कैसे फैसिलिटीज प्रोवाइड किया, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। क्योंकि ये बहुत मुश्किल हालात थे, क्योंकि पेरेंट्स बहुत पैनिक हो रहे थे, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको घर का जो भी करीबी आदमी अपना पास नहीं है, जो दूर रहते हैं हमसे, वो लोग उस सिचुएशन में कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। एंड उनको मन में एक क्वेश्चन था कि इतना सारा बच्चों को हमारा ISM एडमिनिस्ट्रेशन EduTech कैसे मैनेज कर पाएगा, सब बच्चों को खाना कैसे देगा, सब बच्चों को हॉस्टल में कैसे बंद रखेंगे, बच्चे हैं बाहर निकल, वो भी ज्यादा तक लोग रहते हैं, मतलब एक ही हाँ जगह पे 500 लोग रहते हैं। तो सो ये सब चैलेंज था, बट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की वजह से, हमारा एसोसिएट्स की वजह से, पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन की वजह से, पेशेंट और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉलेजेस वहाँ पे, रेक्टर स्टाफ और वो कंट्रीज में इंडियन एम्बेसीज, इन सब की कोऑर्डिनेशन की वजह से ये सब साकार हुआ। एंड आई कैन से प्राउडली कि हम लोग इतना मुश्किल सिचुएशन को बहुत ही आसानी से मैनेज करके हर बच्चे को अपना घर सहूलियत से, खुशी से पेरेंट्स के पास पहुँचवाया। right. में हमने खाना पीने का इंतजाम करना बच्चों को हॉस्टल में, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं उनको खाना पीने का प्रॉब्लम ना हो, जैसे उनका फोन आया हमारे पास एक इमरजेंसी कॉल सिस्टम क्रिएट करके कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, ISM EduTech के स्टाफ के थ्रू उनको खाना पहुंचवाना। right. उसके बाद जब बच्चों को इंडिया आने की जरूरत है, क्योंकि छुट्टियाँ शुरू हो गई, ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने चार्टर फ्लाइट्स को परमिशन देना शुरू किया। सर, वहाँ पे भी लॉकडाउन लागू है ना, मतलब उस अभी भी चल रहा है, बट उस टाइम पे बच्चों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, तो बच्चों को इंडिया आने का, घर पहुंचने का उनका अंदर बहुत ही वो सिस्टम, मतलब कैसे डेवलप करना है, क्योंकि पेरेंट्स फोन कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को हमारे पास, वो हिम्मत देना है, डेफिनेटली साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करना right. है कि करके। हमने ISM EduTech एक ही एक एडुकेशनल कंसल्टेंसी एसोसिएट, आप समझ लीजिए एक पार्टनर कंपनी विद यूनिवर्सिटीज, वी आर ओनिंग द यूनिवर्सिटीज इन डिफरेंट कंट्रीज नाउ, सो वी आर हैविंग आवर ओन हॉस्पिटल्स नाउ, सो वी आर मैनेजिंग ऑल दीज सिचुएशंस। एंड स्पेशली वी आर प्राउड टू से कि हम लोगों ने चार्टर फ्लाइट्स हमारे कंपनी के थ्रू ऑर्गेनाइज करके इंडिया का डिफरेंट लोकेशंस में, हैदराबाद, गया, आई हर्ड 34 चार्टर फ्लाइट्स यू प्रोवाइडेड, चार्टर फ्लाइट्स हमने प्रोवाइड करके किर्गिस्तान से, तजिकिस्तान से 6-7 चार्टर फ्लाइट, जैसे जैसे जितना भी स्टूडेंट्स है उन सबको हमारी खुद की फ्लाइट से डिफरेंट, क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन था, हर स्टेट का डिफरेंट रेगुलेशन था, तो वो लखनऊ नहीं पहुंच पाता, दिल्ली वाला हैदराबाद नहीं पहुंच पाता, क्योंकि या क्वारंटाइन रूल्स अलग है ना, तो इसलिए हमने बच्चों को, वी ट्राइड टू मेक देम कंफर्टेबल विद दिस लॉकडाउन सिस्टम्स एंड क्वारंटाइन सिस्टम, दे डायरेक्टली हैव टेकन फ्लाइट्स फ्रॉम बिश्केक टू हैदराबाद एंड दुशांबे टू अहमदाबाद, लाइक कजाकिस्तान वी मेक अलमाटी टू जयपुर, सो फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, फ्रॉम जॉर्जिया ऑल्सो
थ्रू एयर इंडिया, थ्रू आर्मेनियन इंडियन एम्बेसी, उसकी सपोर्ट की वजह ओके वहाँ से भी बच्चों को डायरेक्ट एयर इंडिया से डिफरेंट लोकेशंस में भिजवाने की कोशिश किए थे। एंड वे हम लोग आराम से बच्चों को ये सब सर्कमस्टेंसेस से उनको पार करके अपनी मैनेजमेंट, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी स्किल्स की वजह से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है, कॉलेज की सपोर्ट, इंडियन एम्बेसी सपोर्ट, यहाँ के इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का सपोर्ट, सो ऑल दिस को रिलेट करके हमने खुद ये इसमें सक्सेस हुआ है। या सर, मतलब अब तो 9th to 12th पास किया जा रहा है, लेकिन मेडिसिन में तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि मेडिसिन में लोग सेमेस्टर मिस नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छे डॉक्टर निकलना है आपके इंस्टीट्यूट से. अब आप क्या कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप बताइए ज़रा खुल हाँ के. जी, एक्चुअली ए पैंडमिक हो ना हो, हम पहले से ही एक ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हम ISM एडुटेक के सारे यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं. लेकिन अभी पैंडमिक आया बोल के COVID-19 के वजह से इसका मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो गया है. जो लोग इसका नफरत करते थे, जो लोग इसके बारे में खिलाफ बात करते थे कि मेडिसिन ऑनलाइन नहीं पढ़ाई जा सकता है, नहीं पढ़ा जा सकता है, कि इसको कंपलसरी ऐसा होनी चाहिए बोल के, वो लोग भी अभी पूरा जो देश में नहीं तो दुनिया में जो माहौल पैदा हुआ है उसके वजह से ये लोग भी क्या कर रहे हैं, कंप्लीट ये लोग भी ऑनलाइन पे आ रहे हैं. जो भी 30 साल 40 साल के एक्सपीरियंस है फैकल्टी भी जो टेक सैवी नहीं है, उनको भी ज़रूरी हो गया कि अभी जूम में क्लासेस ले, बिकॉज इधर भी इंडिया में भी सारे मेडिकल कॉलेजेस ने जो क्लासेस अभी कंडक्ट कर रही है और करने वाले हैं अभी. लेकिन सब लोग ये सोचते हैं ना सर कि दूसरी कोर्सेज तो अलग बात है, लेकिन मेडिसिन वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऑनलाइन क्लासेस ये तो सबके दिमाग में रहता है, ये ऑनलाइन. कंपलसरी आपको पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन वो ज़रूरी है, हाँ लेकिन राइट नो जो पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन एक्चुअली मेडिसिन में कैसा होता है कि टोटल लेक्चर क्लासेस होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते राइट हैं. लेकिन लेक्चर क्लासेस आप सामने बैठ के पढ़ाओ नहीं तो दूर से पढ़ाओ, वो तो एक ही बात, डिपेंडिंग ऑन कैसा आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे. सो आप सही तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, सही प्लेटफॉर्म्स को आप यूज़ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो इनपुट आप लेके आ सकते हैं. कि फॉर एग्जांपल हम ISM एडुटेक के सारे यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक मैनेजमेंट तकरीबन 2017 से कर रहे हैं थ्रू प्रोसियम प्राइवेट लिमिटेड, हमारा एक ई लर्निंग कंपनी है, मेडिकल ई लर्निंग कंपनी. जैसे ये सब 2017 से है. 2017 से ऑलरेडी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब अभी तो उसे ये फेमस हो रहा है अभी. या अभी तो पैंडेमिक तो अभी आ चुका है, लेकिन हम क्या सोचे कि अभी फ्यूचर में जैसे आप बायजू है, सो KG to PG जैसे वो लोग लेके आने वाले हैं एंड 12th तक वो लोग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, वो लोग भी टैब दे रहे हैं. लेकिन सर बायजू के पास वो सॉफ्टवेयर पूरा है, वो टेक्नोलॉजी पूरा है, आप क्या कर रहे हैं मतलब. जी हमारे पास जो डॉक्टर से, एनिमेटर से, इलस्ट्रेटर से, उन लोगों को लेके हम पूरा एक कंटेंट बना ले, इंडिया का करिकुलम को लेके, जो लोकल किर्गिस्तान का है, कजाकिस्तान के, नहीं तो WHO का करिकुलम ले लेके, जो भी गैप्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन करिकुलम पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किर्गिस्तान का करिकुलम पढ़ाएंगे, एक एक पर्टिकुलर पर्सन, एक स्टूडेंट डॉक्टर होने के लिए कौन सा एक ग्लोबल करिकुलम होगा, वो हम उन लोगों से बात करते हैं. एकेडमिक मैनेजमेंट मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट उसको टैब दे दिए हम चुप बैठ गए, हम टैब देने के बाद भी वो लोग इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग क्या हो रहा है, उसके बाद वो लोग परफॉर्मेंस का इम्प्रूवमेंट कैसे आया है, पहले कैसा था बाद में कैसा हुआ है, इसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आ सके, हमको क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं कि व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स. क्या होता है कि एक बड़ा टीम वर्क का ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि हम एक प्रोडक्ट डेवलप करें हम जाके दे दिए. ISM एडुटेक का भी सबसे ज़्यादा उसका हाथ है कि फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ता है कि यार करो मॉनिटर भी करना पड़ता है कि कौन है. पड़ता है. अभी अदर जगह से फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर वर्किंग विद ISM एडुटेक में द मेजर डिफरेंस व्हाट वी हैव सीन इसमें कि ISM एडुटेक के मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस 10 कॉलेजेस है, तो अब तकरीबन आपको 5-6 कॉलेजेस ओन कॉलेजेस रहने के वजह से, बिकॉज ओनरशिप रहने की वजह से क्या हो सकता है कि वो ओपनली हम उसके अंदर जाके कोई भी एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेके आ सकते हैं. उसके बाद अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इसका एक रोल मॉडल जैसा दिखा कि उसमें भी देखो इधर ऐसा हो रहा है, ऐसे रिजल्ट सारे बोल के, जैसा हम 1-3 कॉलेजेस से स्टार्ट करें 2017 में, ये साल में हम सारे 10 कॉलेजेस में ये रिफॉर्म्स हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं. को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करें, वो पहला नहीं था, 2017 से ही हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें. सो एक फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन इज कम्प्लीटली विजुअल फील्ड, मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा नहीं कि जो है बॉडी में क्या हो रहा है, डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, हाइपरटेंशन मतलब दिल को क्या होगा, मतलब एक हार्ट अटैक आने के बाद क्यों हमको स्वेटिंग आता है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, नॉट ओनली समझ में आना चाहिए उसको विजुअलाइज करना चाहिए.
तो हम जब पेयरिंग में पढ़ते हैं तो सोचते हैं देखिए, फॉर हाँ एग्जाम्पल आप एक टेक्स्ट बुक पढ़ने के टाइम के आपका समझने का तरीका सोच अलग होता है, मैं समझने का तरीका सोच अलग होता है, या कंप्लीटली इट इज डिफरेंट। लेकिन एक ग्लोबल मतलब क्या एक्यूरेट है, मतलब पूरा टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाएंगे, वॉल्यूमिनस होगा, चार पांच टेक्स्ट बुक्स आपको पढ़ना होगा, तो हम क्या करते हैं कि इजी मोड में हम खुद वो पूरा काम करके एक्सपर्ट डॉक्टर्स को रख के कंटेंट डेवलप करके एक वीडियो फॉर्मेट में, एक एनिमेटेड विजुअलाइज्ड फॉर्मेट में हम लेके आके बच्चों को दे दिए, तो उसको आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या करेगा, एक्चुअली क्लास में क्लास जाने से पहले भी एक बार सुनेगा, सुनने से पहले मे बी ही मे अंडरस्टैंड 50%, उसके बाद उन्होंने क्लास अटेंड करने के बाद दोबारा आके वो सही चीज को पढ़ेगा, देन ही विल अंडरस्टैंड, कोरिलेट कर पाएगा। ओके, टीचर ने क्लास में ऐसा बताया था, तो बाद में आने के बाद वही कंटेंट वो लोग पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम क्या जो कंटेंट हम टैब में नहीं तो वेबसाइट में दे रहे, वही कंटेंट वो लोग क्लास में पढ़ाएंगे, क्लास में पढ़ाए तो मिसमैच नहीं होगा। डिपार्टमेंट से भी बात करते हैं, टीचर से भी बात करते हैं कि उन लोगों को भी ये कंटेंट दिखाते हैं कि हम स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि जो है ये मामूली सी चीज़ नहीं है कि एकदम नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए बहुत बड़ा टीम की ज़रूरत है। टीम से ज़्यादा आपको एक जील एंथुजियाज्म होनी चाहिए। सबसे पहले हमको रहता है एंथुजियाज्म जी, लेकिन जो आईएसएम एडुटेक वाले ये सारे सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज एजुकेशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ आईएसएम एडुटेक। लेकिन आईएसएम एडुटेक को एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखना होता है कि एंड दे हैव टू ऑल्सो सैक्रिफाइस मेनी थिंग एंड टू इम्प्लीमेंट न्यू रिफॉर्म्स। कभी भी नया सिस्टम आ गया तो इंडिया में भी क्या होता है कि दे के नॉट एक्सेप्ट, उन लोग को वो भी वो पूरा माइनस प्लस जो भी सोच समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना एंड उसमें से सक्सेस को लेके आना। वी आर टेस्टिंग दैट सक्सेस। अभी 2017 में जो पास परसेंटेज था, जितने लोग पास हो रहे थे हमारे इंस्टीट्यूट से, अभी 2020-21 में आने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने पास परसेंटेज हमारा इंक्रीज हुआ, दैट इट सेल्फ शो द सक्सेस। हम अभी यही सक्सेस से खुश नहीं है कि बोल तो अभी इंडिया में भी करिकुलम चेंज हो चुका है 2019 पर। सो वो नया करिकुलम लेके आए हैं कॉल्ड एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है, मार्केट में यही मार्केटिंग कर रहे कि एमसीए कोचिंग प्रोवाइड किया जाएगा आपके इंस्टीट्यूट में, एफएमजी कोचिंग दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं है कि 2022 में नया एग्जाम आने वाला है, उसका नाम है नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो वो एग्जाम एक बार इम्प्लीमेंट होने के बाद आप या इंडिया में पढ़ो, नहीं तो एम्स में पढ़ो, नहीं तो कोई बाहर मेडिकल कॉलेज में पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको आके कॉमन एग्जाम लिखना होगा। लिखने के बाद उसमें क्वालिफाई होने के बाद ही आपको लाइसेंस मतलब ये सब पे लागू होगा। सब पे होगा इंडिया में, इसलिए वो भेदभाव नहीं रहेगा। और टाइम पे कि अरे ये लोग फॉरेन से पढ़ के आया है, ये इंडिया से पढ़ा तो इमिडिएटली लाइसेंस मिल गया। जिसको नॉलेज रहेगा, जिसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी इरेस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर स्टडी, उन्हों आके एग्जाम में एक्सेल करें। एक्सेल करने के बाद जो एग्जाम में पास होगा, जो ज्यादा मार्क्स लाएगा, उसको पीजी सीट आएगा। सो नाउ इट इज अ यूनिफॉर्म सिस्टम। सो नाउ वी आर ऑल्सो कम्पीटिंग विद मेजोरिटी ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी ज्यादा हो गया कि अभी तक जो करे एक पार्ट है, तो आपसे जो हम करेंगे वो पार्ट टू रहेगा। पार्ट टू में हम क्या करेंगे, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन हम बोलते हैं कि डे वन से कि एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि यार मैं ये बोन क्यों पढ़ रहा हूँ, ये ऑर्गन के बारे में मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, ताकि उन्हों ट्रीटमेंट करने के टाइम पे डॉक्टर बनने के बाद इसका उपयोग ये है, ये क्लिनिकल कंडीशन में डिसीज प्रोसेस में ऐसा इन्वॉल्व होगा। तो डे वन से क्लिनिकल एक्सपोजर। सो हाउ ए पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल केसेस। सो ऐसा पढ़ाने के उसमें क्या हो जाएगा, इट इज नॉट जस्ट इंडिया जी। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 5 साल के बाद उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही आके प्रैक्टिस करेगा। उसका मर्जी है। एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर दो, ताकि ऐसा नहीं है कि एक कोचिंग सेंटर जैसा बिहेव मत करो कि एक मेडिकल कॉलेज में डे वन से 5 साल में मतलब 10 सेमेस्टर में जो नॉलेज उन्होंने हासिल करेगा उसमें से उन्हों कोई भी एग्जाम लिखने का मौका मिलना चाहिए। उसमें नहीं कि मैं उसको एफएमजी का तैयारी कर रहा हूँ, यूएसएमली का तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक अनाटमी दुनिया भर में सेम होगा, डिसीज प्रोसेस भी दुनिया भर में, ट्रीटमेंट भी दुनिया भर में सेम होता है। सो व्हेन यू गिव कंप्लीट एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, तो वो बच्चा को आप बता दीजिए कि आप जाके कोई भी एग्जाम लिखो आप पास हो जाएंगे। तो गिव हिम द कंप्लीट पैकेज। ऐसा नहीं कि जो है 10 दिन में मैं एक फैकल्टी को इंडिया में 1 लाख रुपए लेके लेके गया, पूरा अनाटॉमी पूरा फिजियोलॉजी में 3-4 दिन में मैं पढ़ा दिया, खत्म, मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं चलेगा।
क्यों बोले तो आपको फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे जाएंगे 12th पास होके जाएंगे, मतलब 17 ईयर 18 ईयर के बच्चे जाएंगे, सो बच्चों का मेंटेलिटी भी बच्चे जैसा ही होगा। तो 22 ईयर बंदा का मेच्योरिटी रहेगा जैसा 17 ईयर्स का जो स्टूडेंट का मेच्योरिटी रहेगा, काफी डिफरेंस रहेगा उसमें से। तो कंपल्सरी वो स्टार्टिंग जो पुशअप होगा, सो फॉर एग्जाम्पल आप एक इंटरेस्ट क्रिएट करें, समझिए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 2 ईयर्स में, ईयर में आपको बोलने का जरूरत भी नहीं, उन्होंने कॉन्फिडेंट है, समझिए सब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी सेकंड ईयर तक जो भी उन्होंने कंप्लीट किया, उन्होंने कॉन्फिडेंट है, तो उन्होंने खुद आपसे मांगेगा सर ये प्रोवाइड करो वो प्रोवाइड करो, वो फैकल्टी अच्छी नहीं, ये फैकल्टी चाहिए, वो कोचिंग चाहिए, ये वीडियो चाहिए। वो स्टूडेंट्स के अंदर आप लेके आना बोले तो कंपल्सरी डे वन से आपको प्रोवाइड करना, सो वो इंटरेस्ट आप लेके क्रिएट करना है। 100%। उसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट्स एक मेच्योरिटी लेवल पे आ जाएंगे, दे विल ऑल्सो नो वॉट टू स्टडी वॉट नॉट टू स्टडी। सो दैट्स वाई फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप जाके उधर रख दिए, अच्छा सिटी है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, से कुछ नहीं होगा। वो 100 साल होने दीजिए, 200 साल होने दीजिए, अभी क्या है उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड होता है आज आप क्या प्रोवाइड करते हो। अबाउट द हिस्ट्री, वॉट इज प्रेजेंट, वॉट इज हु आर द टीचर्स, आप इंडियन टीचर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। उधर हम कैंपस में भी इंडियन टीचर्स को रख के प्रोवाइड कर रहे थे, बिकॉज स्टूडेंट्स इधर से जाने के बाद बहुत ही सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से रहते हैं, इमीडिएटली दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द एक्सेंट, उधर का इधर का कल्चरल बैरियर्स रहेंगे, बहुत सारे चीजें रहेंगे। सो व्हेन दे एक्सपोज टू द इंडियन टीचर्स जो हमारे भाषा बात करेंगे उधर, उन लोगों को एक तरीके के कॉन्फिडेंस आ गया कि यार मुझे तो सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या पढ़ा रहा है। और भी देश को मिस भी नहीं करेंगे ना वहां भी जाके। उसके बाद क्या होगा, 2 साल तक इट इज अ क्रिटिकल टाइम। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यही गलती करके बैठेंगे कि लास्ट ईयर में लोग कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे नहीं, लास्ट ईयर में कोचिंग कोचिंग का नाम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारा कोचिंग डे वन से रहेगा। यू बोल तो एकेडमिकली हम कंप्लीटली इन्वॉल्व हो चुके हैं यूनिवर्सिटी के साथ। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द आईएसएम एडुटेक एंड इट्स एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो आप बताइए, अभी तो इससे पहले आप बता रहे थे कोविड सिचुएशन में आप कैसा हैंडल कर रहे थे, लोगों को कैसे वो पैनिक होने वाले, हाँ कैसा उनको हेल्प किए थे, सारे बोले थे लेकिन। आईएसएम मेडिटेक 2003 से हमने एस्टेब्लिश करके डिफरेंट यूनिवर्सिटी साथ हमने एज एसोसिएट शुरू किया, बट वी आर प्राउड टू से कि अभी हम ओन करते हैं यूनिवर्सिटीज को। आवर ओन यूनिवर्सिटी इन जॉर्जिया, वाओ नाइस, बिश्केक आईएसएम एंड बारबाडोस ब्रिजस्टोन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सो इन डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज में हम अब कॉलेजेस को ओनरशिप में आ रहे हैं एंड वी आर बिल्डिंग सम आवर ओन हॉस्पिटल्स। वाओ बिश्केक वी हैव वेदांता, सेंट्रल एशिया वी आर रजिस्टर्ड वेदांता हॉस्पिटल्स, वी आर हैविंग तजिकिस्तान, वी हैव द डायग्नोस्टिक एंड हॉस्पिटल, बिग हॉस्पिटल इन किर्गिस्तान, वी हॉस्पिटल्स वेरी सून इन कजाकिस्तान, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश 300-bedded हॉस्पिटल इन ओह कजाकिस्तान। सो वी आर कंप्लीटली इन टू मेडिकल एडुकेशन। सो एज आई सेड, कोविड सिचुएशन अगेन आई वॉन्ट टू स्ट्रेस, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर पैनिक है ये पीरियड क्या होगा, तो मैं बच्चों को लाया, अब बच्चे कैसे जाएंगे, उनका एकेडमिक कैरियर क्या होगा, ये सारे क्वेश्चंस को मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मार्केट में हर तरह के रूमर्स आते हैं कि ऑनलाइन एडुकेशन मेडिसिन अप्रूव्ड है, नहीं है, मेडिकल नेशनल मेडिकल काउंसिल अप्रूव करेगा नहीं करेगा, बच्चों का सेमेस्टर लास्ट तो नहीं होगा। तो उन सबको ये कहना चाहता हूँ कि उस कंट्री का मेडिकल एडुकेशन डिपेंड होता है वहाँ का मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन का अप्रूव करती है। सो नेशनल मेडिकल काउंसिल उसी को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल किर्गिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ एडुकेशन ऑनलाइन एडुकेशन के लिए फॉर 3 मंथ्स परमिशन दे दे, वो ऑर्डर्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। आज तजिकिस्तान की गवर्नमेंट ने दिया, जॉर्जियन गवर्नमेंट ने, कजाकिस्तान गवर्नमेंट ने, हम लोग पहले गवर्नमेंट तो सबसे अप्रूवल लिए थे आप। की ऑनलाइन एडुकेशन इज परमिटेबल फॉर दिस पैंडमिक सिचुएशन, नॉट फॉर एवरी टाइम, फॉर दिस 3 मंथ्स दे आर अप्रूव्ड। सो हम बच्चों को कोई डरने वाली जरूरत नहीं है, जैसे ऑलरेडी हम ईच कॉलेज का इस तारीख से क्लास स्टार्ट, किसी का लास्ट ऑफ अगस्त, किसी का मिडिल ऑफ सितंबर क्लास स्टार्ट हो रहा है, सीनियर बच्चों को वो हम डिस्प्ले करेंगे थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप्स, वी हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन मेथड्स विद द स्टूडेंट। सो हम लोग उनको बताएंगे, और जैसे बानू, डॉक्टर बानू ने बताया कि हाउ वेल वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिस्टम, हमारा पूरा एकेडमिक मैनेजमेंट सिस्टम आईएसएम एडुटेक का कैसे काम कर रहे हैं इस पे, कि ऑनलाइन में क्वालिटी एडुकेशन कैसे लाना मेडिसिन में, हमसे बेटर कोई नहीं होगा, इस तरह से दिखाना है वर्ल्ड को। दिस ऑल यूनिवर्सिटीज वेर एवर वी आर वर्किंग विद, एसोसिएटिंग विद यूनिवर्सिटीज और ओनिंग द यूनिवर्सिटीज, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम सिस्टम विच डॉक्टर भानु इज मैनेजिंग द एकेडमिक मैनेजमेंट। वही तरीके से हम बताना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने बताया जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, बच्चों को एक एग्जाम के लिए नहीं, हम कंप्लीट डॉक्टर बनाना है, कहीं भी जाओ। हाँ एक एडुकेशन वाइज वो कोशिश करेंगे, एक ह्यूमन बीइंग उसको एज अ डॉक्टर है, तो उसको
एक अच्छा एकेडमिक ही नहीं, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनाना होता है। ट्रू उसको बनने के लिए उसको किस तरह से अपना बेड सेट करना है, किस ओके तरह से हाइजीन रहना है, ये एज ए डॉक्टर प्रोफेशनल एक अपना बाहर आने के बाद एक उसका डिग्निटी डिग्निटी, उसकी जो प्रेजेंस डिफरेंट तरीके से होना चाहिए कि लोग उसको भगवान मानते हैं, तो ट्रू भगवान को अपने तरीके से दिखाना है उनको, तो वो एक अच्छा ह्यूमन बनाना है, एक राइट कमर्शियल नहीं बनाना उसको कि एज ए आप देखते हो कि बहुत न्यूज़ में आता है कि डॉक्टर्स कैसे कम, वो या सारा उस पर कमर्शियली थोड़े भी लोग रहते हमको हैं, वर्कआउट करना है कि बच्चों को अपने सो एथिक्स मिसयूज नहीं करना है पे, वो तो डॉक्टर राइट का एथिक्स पे ही स्ट्रिक्ट होके रहे, तो उस पे हम काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज पे काम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में ऑनलाइन में करके उनका एकेडमिक कैरियर लॉस ना हो 3 मंथ्स, इसके लिए काम कर रहे हैं, एज वेल एज न्यू कमर्स को भी, अभी बहुत लोग हमारा डिमांड है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे पढ़ने के लिए है, तो उनको भी फर्स्ट ईयर क्लासेस हम टाइम वेस्ट नहीं करके इमिडिएटली हम कौन सा तारीख से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, राइट फाइनेंशियली हम उनको इस पेंडेमिक सिचुएशन में पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स है तो उनको भी हम किस तरह से फाइनेंस कराना है, किस तरह से उनको EMIs डिस्ट्रीब्यूट करना है कि स्टार्टिंग इस फर्स्ट ईयर में उनको ऊपर ज़्यादा बर्डन ना रहे, कुछ डिस्काउंट्स करना या उनको, उस बर्डन को हम 4 ईयर्स में डिवाइड करना, डिफरेंट एस्पेक्ट से हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जो या बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सबको टाइम मैनेजमेंट, एकेडमिक मैनेजमेंट, फैसिलिटीज मैनेजमेंट, वही ऑफलाइन क्लासेस कब स्टार्ट होगा, हर कंट्री में मॉनिटरिंग रखे हुए हैं, राइट कंट्री का पैंडेमिक सिचुएशन कैसे चेंज हो रहा है डे बाई डे, वहाँ का लोकल इंडियन एम्बेसी से हम कांटेक्ट में हैं, वो लोग भी देख रहे हैं कुछ कंट्रीज में जैसे क्लास स्कूल्स ओपन हुआ या यूनिवर्सिटीज ओपन हुआ तो किस तरह से पैंडेमिक कंटिन्यू हो रहा है, वहाँ पे इफेक्ट इसका कैसे पड़ रहा है, राइट 1 महीना 2 महीना देख लेंगे, अगर उस कंट्री में क्लासेस ओपन करने के बाद भी कोई बच्चों को इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोविड का कोई इफेक्ट नहीं है, देन हम बच्चों को यहाँ से मूव करेंगे, ओके मतलब पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि हाँ बच्चा सेफ है क्लास में चला गया तो सेफ है वो, तो या उसके ऊपर भी हम पूरा नज़र रखे हुए हैं, जैसे भी होगा हमारा एसोसिएट्स, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज मॉनिटरिंग इन एग्जाम लिख एवरी रहे हैं सेकेंड सिस्टम, इन कंट्रीज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब सोच समझ के करेंगे, तो हम लोग बच्चों का हर मोमेंट में साथ हैं, जब पहले वहाँ से लाने में अब ले जाने में, हम कंप्लीट एज ए चार्टर फ्लाइट्स मैनेज करना सोचिए, फूड मैनेजमेंट, यहाँ से इंडिया से हम कंटेनर्स ले जाते हैं राइस, बच्चों को लोकल फूड कहीं कुछ चीज़ें नहीं मिलता तो हम यहाँ से कंटेनर्स भी, ये सब चीज़ें एक एडुकेशनल सिस्टम में, मेडिकल एडुकेशन अब्रॉड में, आई कैन चैलेंज कि कोई भी किसी के पास ये सब फैसिलिटीज़ एक प्लेटफॉर्म में जो कर रहे हैं, जो ओन कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि हम किसी से अडॉप्ट कर रहे हैं, दिस आर ऑल आवर ओन, जिस बानो जी ने बताया एकेडमिक मैनेजमेंट, दिस इज आवर ओन सिस्टम, मैं आपको बता रहा हूँ फ्लाइट चार्टर फ्लाइट से अरेंज करना था, आईएसएम मिलिट्री खुद करती है, इट्स नॉट डिपेंडिंग अपॉन एनी फाइनेंशियल दूसरे रूम सोर्सेस, पे नहीं हम लोग खुद दिखा करके इंडियन दो मैनेज इंडियन एम्बेसी मिनिस्टर ऑफ फॉरन अफेयर्स उनसे परमिशंस लेना, सब कुछ उनसे मॉनिटर करना, ये सब आईएसएम मिलिट्री खुद करती है, तो इस तरह से आपको बच्चों को सेफ हैंड्स में रखना है, जो ट्रांसपेरेंसी के साथ देखेंगे, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम्प्लीटली ले, हाँ मैं वही पूछने वाली थी, मतलब आजकल क्या हो गया ना सर, सोशल मीडिया ऐसे बहुत ज़्यादा होने के बाद ज़्यादातर फेक इंस्टीट्यूट्स आते हैं और यहाँ एक प्राइस बताते हैं, एक पैकेज बोल देते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो बढ़ा देते हैं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। अपना चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वही है कि एक सिर्फ ट्यूशन फीस कैलकुलेटेड में 5 ईयर्स ना बता दे, हम लोग टोटल कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली पेरेंट्स को बताना चाहते कि वो लोग भी अपना बजट प्लान करके चलते हैं कि कुछ ओके जो उनका उसमें नहीं है तो वो लोग ड्रॉप ऑफ कर लेंगे, बट जब उनको पता है कि ओके आपको बहुत इच्छा है कि कराना है बट मेरे पास इतना ही लिमिट है मेरे पास, देन वी विल ओके हेल्प आउट देम बैंक के थ्रू कैसे ओ फाइनेंस कराना है, और कुछ एजुकेशन लोन्स इन दैट कुछ गवर्नमेंट्स शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट के लिए कुछ स्कीम्स हैं उसको कैसे यूटिलाइज करना है, इसमें भी हम गाइडेंस देते हैं, तो या कुछ मिडिल ऑफ द एडुकेशन किसी पेरेंट्स के साथ कुछ हो जाता है या कुछ ऐसे ऐसे सिचुएशन बन जाता है कुछ, तो हम लोग उसमें फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, हमारी कंपनी की ओके तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से जो एडुकेशनल स्टूडेंट जो है अच्छा परफॉर्म करने वाले को कंपनी खुद स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर, वाओ लाइक वी आर गिविंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ओके वो वेल ओके कम इन द फर्स्ट 3 प्लेसेस, हम लोग प्रोवाइड उनको फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर कंप्लीट फ्री एडुकेशन फ्री फ्री कर कर दे दे रहे ओके फ्री फ्री कर दे एजुकेशन रहे, ऑलरेडी हम 3-4 ईयर्स से फॉलो कर रहे हैं, सो इवन जो बच्चे कुछ कुछ बीच में साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, इवन अब्रॉड जाके कुछ कॉलेज के साथ उनकी एक्सचेंज प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो उनकी भी उनका अंदर कुछ इच्छा है कुछ तेज में जाना है तो हम उनको प्रमोट करते हैं, वट एवर दे नीड हेल्प आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम, कि हमको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आपको पुशअप करना, मोटिवेट करना, अगर उनके अंदर कुछ अलग टैलेंट है स्पोर्ट्स में है, सिंगिंग में है,
कल्चरल कल्चरल एक्टिविटीज में है, एक्टिविटीज है. उसमें भी ओके हम प्रमोट करते हैं. ओके, मतलब तो आइसोमेट्रिक एक कंप्लीट एक पैकेज. एजुकेशन, मतलब ये मेडिसिन पढ़ने के लिए आते हैं सिर्फ, जी मेडिसिन ये बात नहीं है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट सब कुछ आप जी देखते एवरीथिंग क्वालिटी वाइज, हैं ट्रांसपेरेंसी एंड एंड रिस्पॉन्सिबल कंफर्ट. कंफर्ट. हमको इवन हम इतना तक सोचते हैं कि बच्चे को हॉस्टल में बेड प्रोवाइड करे तो मेट्रास कैसे होना चाहिए, ओके वो बच्चे बैठ के पढ़ रहे तो उसकी टेबल कैसे होना चाहिए, कितना देर उसमें टेबल में बैठ के पढ़ने से उसको कंफर्टेबल रहेगा, उसकी लाइटिंग कैसे होना, जो भी अनुकूल वातावरण तो चाहिए. उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड करें और बेस्ट क्वालिटी एडुकेशन प्रोवाइड करें. और यहाँ पेरेंट्स को सेफ्टी दिखना चाहिए. हम सो एंड लोग टू एंड सर्विसेज एंड टू एंड होनी सर्विस चाहिए, करते हैं, जो कि राइट. लड़कियाँ होती है बहुत सारी, सिक्योरिटी बहुत कौन से प्रॉब्लम्स होते प्रॉब्लम्स हैं, होते मतलब हैं. पर्सनल आजकल इश्यूज होते डॉक्टर्स हैं, बनेंगे गर्ल्स बहुत ज़्यादा अच्छा राइट होती है, तो वो राइट. लोग कहता है कि यार दूर भेजेंगे बच्चे कैसे रहेगा, कौन सा हॉस्टल में लड़कियां तो और भी ज्यादा सिक्योरिटी चाहते रहेगा. हैं. पेरेंट्स को हम ओपनली चैलेंज करते हैं कि प्लीज़ आप आइए, आप बच्चे को देख लीजिए, आप ओके किस कमरे में बच्चे रहे, लड़कियों को सेपरेट हॉस्टल्स है नहीं है, क्योंकि ऐसे बोलना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना चाहिए वहाँ के. देखो आप हॉस्टल्स कैसे राइट. हैं, हॉस्टल्स के बाहर सिक्योरिटी कौन है, वार्डन्स कौन है, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, आपका बच्चा 10 o'clock तक हॉस्टल रूम में नहीं है, एवरी सिस्टम रखा हमने, ओके कंप्यूटर में होता है वो सब कुछ. ओके आपका बच्चा 10 o'clock सो मिनट टू मिनट मॉनिटर करते हैं, इवन ऑनलाइन कैमरास दिया हुआ है, पेरेंट्स देख सकते हैं कि बच्चा हॉस्टल में है नहीं है. राइट. ओ या बच्चा बोल सकता है ना मैं कहीं बैठा हुआ है, मैं एक रूम में हूँ. आप फादर बोल सकते हो प्लीज आप कॉरिडोर में आ जाओ, हॉस्टल में आई वॉन्ट टू सी. ओके सो तो बोलने के बाद कर सकते हैं, सो दीज आर ऑल थिंग्स, कि पेरेंट्स भी सेफ फील होना चाहिए, वो लोग भी राइट. आराम से सोना चाहिए घर पे कि मेरा बच्चा सेफ हैंड्स में है. तो ये सब पूरा कर रहे हैं. और हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग जो अनएडुकेटेड पेरेंट्स होते हैं उनको भी जिनको नहीं पता होता है मेडिसिन के बारे में. हाँ. आप 15 लाख, 1 लाख, 2 लाख रुपए सस्ता कर रहे करके पहले बता देते हैं, उनका में फंस जाते हैं. वही तो प्रॉब्लम है सर, अभी तो जो लो पैकेज होता है उसी को अट्रैक्ट होते हैं पेरेंट्स. हाँ क्या इंक्लूडेड है क्या इंक्लूड नहीं है, ये जैसे अभी ये जो हम लोग खर्च कर रहे हैं इतना, एकेडमिक मैनेजमेंट, इंडियन टीचर्स प्रोग्राम देना, जो फर्स्ट डे से उनको इंडियन टीचर्स देना, हम लोग जो पैकेज बताते सब कुछ इंक्लूड. सर, आप इससे पहले बता रहे थे ट्रांसपेरेंसी, मतलब आपके कमर्शियल्स कैसे हैं? जी मैं यही बताना चाहता हूँ कि अब जैसे डॉक्टर बानो ने बताया नेक्स्ट एग्जाम आ गया, सो नाउ वी आर कॉम्पिटिटिंग विद इंडियन कॉलेजेस. ओके अभी 2 साल के बाद हमारा पेपर एडवर्टाइजमेंट में कॉलेज जैसे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन बीच के पासिंग परसेंटेज दिस मच, कजाकिस्तान का कजाक रशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, अवर ग्रेजुएट्स आर दिस मच एंड अवर नीट एग्जिट पासिंग परसेंटेज दिस मच, सो वी आर गोइंग टू कॉम्पिटिट विद द इंडियन मेडिकल कॉलेजेस ओके प्राइवेट और गवर्नमेंट. इवन दे हैव टू गिव एडवर्टाइजमेंट दैट स्टूडेंट वॉन्ट्स टू विलिंग टू गेट एडमिटेड ही मस्ट सी द रिजल्ट राइट. हाउ दे आर रिजल्ट लाइक. ओके सो उसको चैलेंज लेते हुए प्राइस फैक्ट आता है. इंडिया में आपको 70 to 80 lakhs इज द मिनिमम पैकेज इन प्राइवेट कॉलेजेस राइट एंड इट मे गोज टू 1.5 crore डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज राइट. देयर नेम एंड एवरीथिंग. सो मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ कि हम लोग जो बता रहे ट्रांसपेरेंसी इज बिटवीन 20 to 30 lakhs डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री. ओके किर्गिस्तान इट मे कास्ट अराउंड 25 lakhs, जॉर्जिया इट मे कास्ट अराउंड 28 lakhs, तजिकिस्तान इट मे कास्ट अराउंड 20 lakhs. सो इट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री इकोनॉमिक सिचुएशन, ट्यूशन फीस लिटिल बिट वेरी करता है. सो वट एवर द कॉलेज वी आर प्रोवाइडिंग इन दिस ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, कैन चैलेंज दैट स्टूडेंट कैन कंप्लीट इन बिटवीन 20 to 30 lakhs. दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्यूशन फीस, ओके दैट इंक्लूड्स हॉस्टल, मेस, 5 times का फ्लाइट टिकट्स, ओ का पर्सनल लोकल ट्रांसपोर्ट खर्चा ओके मिला के डिफरेंटली कर सकते हैं. एंड वी आर गिविंग दैट डायरेक्टली लीगल एग्रीमेंट टू द पेरेंट्स ऑल्सो, ओके दे आर विलिंग टू पे इन 1 year पीरियड ऑफ टाइम इफ दे कैन पे 25 lakhs एट अ टाइम. मतलब ये ये ऑप्शन भी मिल जाएगा ऑप्शन भी है उनको. हमारे पास. आप ये नहीं सोचना कि डॉलर रेट क्या होगा ऐसे केस, सो बढ़ने के बाद बढ़ा देंगे फिर भी पैकेज ऐसा. कह रहे कि आप हमको 25 lakhs दीजिए, ओके हम आपका बच्चे को 5 बार घराने की टिकट देंगे, आपका बच्चे को 10 semesters का ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, आपको हेल्थ फैसिलिटीज सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, तो ओके इस 25 lakhs में सब कुछ इंक्लूड है. तो हम मतलब चैलेंज इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज वी नो दैट वी कैन मैनेज. मतलब घर से निकला, ऐसे मेरे टेक में सीट मिला, फिर डॉक्टर बन गए सीधे घर. एग्जैक्टली 5 years में आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए राइट. पेरेंट्स को, अगर ठीक है आप ईयरली पैकेज के साथ जाना चाहते हो, वी आर नॉट प्रेशराइजिंग एनी टाइम एनी वन टू पे एट अ टाइम. ओके आप ईयरली पे कर सकते हो बट इफ यू हैव दैट आपके कंफर्ट के हिसाब एक बार पे से. करिए, हम 5 साल हम खुद मैनेज करेंगे, हम राइट. लीगल एग्रीमेंट लिखेंगे आपके साथ इस अमाउंट के साथ हम ऐसा करें. मतलब वो चैलेंज हम इसलिए दे पा रहे कि वी नो द हिडन कॉस्ट एंड एवरीथिंग. पर ये तो खुल के नहीं बोलते, ज्यादातर लोग बता नहीं सकते.
इसलिए अब नेक्स्ट एग्जाम आने के बाद इंडियन प्राइवेट कॉलेज के साथ जो 1 करोड़ रुपये मेडिसिन मेडिकल डिग्री देके डॉक्टर बना रहे, हम इक्वली एंड मोर क्वालिटी डॉक्टर्स को 20 to 30 लाख में वर्ल्ड को आईएसएमएडीटेक ने पूरा कम्फर्टली ओपनली चैलेंज दे रहे हैं। राइट राइट, आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हमारे एकेडमिक सिस्टम्स के ऊपर भरोसा रखिए, हम जो फैसिलिटीज दे रहे हैं एवरीवेयर ट्रांसपेरेंसी होगा, और सबसे ज्यादा हमारे अंदर इंसानियत और कुछ करना है। या आप एक डॉक्टर है, तो भी डॉक्टर से हमने भी, मैंने भी एक फॉरेन ग्रेजुएट हूँ, मुझे पता है कहाँ कहाँ पे किस बच्चों को क्या दिक्कतें आ सकती। राइट, उसी बेस को लेकर हम काम कर रहे हैं। जो लोग जैसे क्रिटिसाइज करते थे फॉरेन एडुकेशन से, आज का दिन एग्जाम आ गया तो नाउ वी कैन से प्राउडली दैट ऑलरेडी एफएमजी एग्जाम लास्ट 3-4 ईयर्स देखा गया तो जो हमारे एकेडमिक मैनेजमेंट के बाद रिजल्ट्स में बहुत इम्प्रूव आया। सो वर्ल्ड जो वर्ल्ड वाइड एग्जाम एफएमजी इंडिया आने के बाद होता है उसमें फर्स्ट 10 प्लेसेस में रेगुलरली आईएसएम का स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एंड जो मार्क्स आ रहे हैं उनका 180 अबव होते हैं। जो बच्चे पासिंग परसेंटेज है ऑल ओवर इंडिया का परसेंटेज 10 to 20% बीच में रहता है, आईएसएम का कभी भी बिलो 40% नहीं आया। ओके, 40 रहता है, एंड विद इन 2-3 अटेम्प्ट्स में 70 to 80% तक डॉक्टर्स क्लियर करके कर रहे हैं, नॉट ओनली एज ए एफएमजी रिजल्ट्स, आवर स्टूडेंट्स आर गेटिंग डीएनबी, ड्रग्स आर क्लियरिंग पीजीसी, इवन यूएसएमएलई, अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूके में काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, इंडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन में सुपर स्पेशलाइजेशन में न्यूरो सर्जन है, ऑलरेडी हमारा डॉक्टर्स है, प्लास्टिक सर्जन है, डीएनबी कितना लोग क्लियर किया, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ही लोग आंध्र में है। इस कोविड सिचुएशन में आंध्र तेलंगाना या डिफरेंट छत्तीसगढ़ राजस्थान कहीं भी जाइए, हमारे बच्चों के फेसबुक वीडियोस आते हैं, हमको भेजते हैं, कोविड में वो लोग डिपार्टमेंट के हेड बने हुए हैं, कोविड हेड्स बने हुए हैं, कोविड में जो डॉक्टर्स की कमी है, जो जरूरत थी, जो हमारे बच्चों ने बहुत कम से कम ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो आप मोर देन 200 स्टूडेंट्स कोविड डॉक्टर्स आईएसएम मेडिटेक के ग्रेजुएट्स है। इसमें अभी तक तो 20,000 प्लस है ना सर, ऑल ओवर ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, बट मैं बता इस टाइम सिचुएशन में भी सबको हेल्प कर रहे हैं, तो हर जगह हम गवर्नमेंट के साथ भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं थिंग, एंड नॉट ओनली लाइक गिविंग अ डिग्री, क्वालिटी डॉक्टर को सोसाइटी को देना है, राइट, एक एम्बिशन है, तो उसको हम फॉलो करते हुए ट्राई कर रहे हैं। तो उसमें जैसे बताया कि डॉक्टर भानु का एकेडमिक मैनेजमेंट, एंड हमारा हैविंग एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, हैविंग एसोसिएट्स ऑल ओवर एक्सपीरियंस्ड हु आर वर्किंग विद अस लाइक फैमिली फ्रॉम 15 ईयर्स, हमारा जो पूरा आईएसएमएडीटेक आप देखा गया तो इन कंट्रीज में लाइक सोर्सेस टीचिंग स्टाफ से लेके वहाँ का लोकल स्टाफ, वहाँ का जो हॉस्टल्स में क्लीनिंग स्टाफ ले लो आप, मेस में कुक्स ले लीजिए, मतलब बहुत साल से काम कर रहे हैं आपके एसोसिएट है, ऑलमोस्ट मोर देन 1,000-2,000 फैमिलीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग है इस सिस्टम को हमने जो बनाया, ये लोग सब लोग को लंबा टाइम तक काम करना है, लंबा टाइम तक एसोसिएट होना है, उनके फैमिलीज को देखना है, ये सारा रिस्पांसिबिलिटी हमारा आईएसएमएडीटेक के ऊपर है। हम उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं कि न्यू व्हाटएवर कमिंग इनटू द वर्ल्ड, एडुकेशन सिस्टम समझ लीजिए, कुकिंग में ले लीजिए, हॉस्टल में ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ले लीजिए, लेबोरेटरीज वाइज कुछ भी टेक्नोलॉजी हमारा मेडिकल एडुकेशन रिलेटेड नया आ रहा है, तुरंत हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट, सो दैट रिजल्ट्स कितना हम जल्दी उसको अडॉप्ट करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट्स हम दे पाएंगे। सो वी आर ओपन, हम लोग, मैं एवरी टाइम कहता हूँ कि आईएसएमएडीटेक ने स्टूडेंट्स ने बिल्ड किया, हम लोग इसको 14 बच्चों से शुरू किया, 14 स्टूडेंट्स आर देयर व्हेन वी स्टार्टेड इन 2003, ओके, एवरी ईयर अराउंड 8,000 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग थ्रू आवर आईएसएमएडीटेक ऑल ओवर द वर्ल्ड इन दिस कंट्रीज। सो इन लोगों का ही इन्वेस्टमेंट है, जितना 20,000 बच्चे करके जा चुके हैं सारा कुछ है, इन बच्चों का ही मोटिवेशन है, इन बच्चों का पेरेंट्स का जो सजेशंस है, पिलर्स है, वो सब चीजों से कहीं भी हम नेगेटिव नहीं लेते, क्रिटिसाइज करिए, हमें बताइए हमारी गलतियां क्या है, हम उसको पॉजिटिव लेके उसको सॉल्व करेंगे, जितना हमसे हो सकता है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम कहीं भी किसी बच्चे भी आके बोलता है कि सर हमको ये ठीक नहीं है, हम उसको नेगेटिवली नहीं लेते हैं, हम बोलते हैं कि क्यों ठीक नहीं, सो ठीक करने की कोशिश करें, तो एज ए फाइनेंशियल भी जो हम प्रॉफिट्स हम आ रहे हैं इसको री इन्वेस्ट करके एकेडमिक्स में, फूड क्वालिटी में, सो वहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, उसको ही डेवलप करने के लिए, न्यू सिस्टम्स को अडॉप्ट करने के लिए सब कोशिश।
लेकिन बहुत बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेडिकल का फील्ड थोड़ा सा धंधे के जैसा लगता है, बिजनेस की तरह। लेकिन आप लोगों की बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग फैमिली के जैसे ट्रीट कर रहे अगर हैं। वो नहीं कर पाएंगे तो हमारे डॉक्टर्स भी कमर्शियल बनेंगे, उनको भी मिडिल क्लास से आ ट्रू, रहे हैं, उनको भी एक मेंटल ये देना या वो चाहिए, सोच आ सोच आना जाएंगे। चाहिए, वो सोच नहीं आना चाहिए यहाँ पे जी हम इतना अमाउंट में ही इतना कुछ हमको मिल रहा है, तो आगे जाके भी पब्लिक सर्विस जब करेंगे तो अब सो कमर्शियल अंदर से वो इंसान इंसान आना बाहर चाहिए, आना इंसान चाहिए। बाहर आना चाहिए, डॉक्टर ह्यूमैनिटी होना चाहिए, एक अच्छा डॉक्टर क्वालिटी वाइज इंक्लूडिंग ह्यूमैनिटी नहीं है तो डॉक्टर कभी नहीं होता, वही तो तो। हाँ दैट इज आवर मोटिव। सर, आप बताइए आफ्टर पैंडेमिक मतलब कैसे प्लान्स हैं, क्या है अभी जी सीन आपका? ऑलरेडी बिफोर पैंडमिक पे मैं आपको बताया था कि वी वर कम्प्लीटली रेडी विद आवर ई लर्निंग प्रोग्राम जो भी है, ई लर्निंग प्रॉब्लम है, जो वीडियोस देते हैं, केसेस देते हैं, जो बुक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं उधर, नोट्स भी देते हैं, वो ही अभी कंटिन्यू होगा। अभी एक्स्ट्रा क्या होगा कि जो भी इंडियन टीचर्स उधर से लाइव ले रहे थे, वही इंडियन टीचर्स जो इन हाउस टीचर्स है, एम्प्लॉयड टीचर्स है, तो वो लोग इधर से उनके घर से जो भी स्टूडेंट्स इंडिया आ चुके हैं उधर ऑनलाइन क्लासेस को डायरेक्टली कंडक्ट करने का भी प्लान है, मे बी विद इन 1 वीक और 10 डेज में वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ये सोचेगा कि फॉर एग्जाम्पल वो सेमेस्टर लॉस हो जाएगा ना तो ईयर लॉस हो जाएगा, तो हम बहुत पहले से सब सोच के रखे थे कि यार वर्ल्ड ऑनलाइन में जाएगा 2-3 साल के बाद, मे बी 10 ईयर्स के बाद, द वे द वर्ल्ड इज राइट नाउ कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, बिकॉज हम 98 में जो विंडोज 98 यूज़ कर रहे थे, अभी 2010 बोल के हम यूज़ करें, टेक्नोलॉजी हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, बदलते जाना है। जैसा टेक्नोलॉजी हम हर डिपार्टमेंट में इस्तेमाल करें, वाई वी आर नॉट यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ऑल्सो, तो लर्निंग प्रोसेस भी फास्ट होनी चाहिए, मेथड ऑफ लर्निंग भी इनोवेटिव होनी चाहिए, सो ऑल द इनोवेटिव मेथड्स वॉट एवर आर देयर इन टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन अडॉप्टेड, एंड वी कैन प्राउडली से दैट वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड एक करिकुलम को लेके, कंप्लीटली करिकुलम को लेके, वो भी इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे टॉपिक्स को एनिमेट करना कोई मामूली मामूली सी वाला बात नहीं, नहीं है। तो वो द सब्जेक्ट ही इतना टफ है, उसको पूरा एनिमेट करके देने का एक एक बड़ा ऐसा है कि यज्ञ जैसा है इसको, इसके ऊपर हम भी वही एंथुजियाज्म को रखे 3-4 साल से सुबह से शाम तक 50-60 लोगों को बिठा के हम कर रहे हैं, तो ये सारे किसके लिए है, और बच्चों, बच्चों के लिए। तो जो बच्चे को हम लेके जा रहे हैं उन लोगों को हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमम उन लोगों के क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, समटाइम्स ऐसा होगा कि 10 दिन कॉलेज नहीं जा पाएगा, नहीं तो एक एक बार क्लास में समझ में नहीं आएगा क्लास, बार बार उसको वही टॉपिक को रिवाइज करने के लिए जो हम प्लेटफॉर्म उसको देंगे वो 5 ईयर्स तक उसके हाथ में रहेगा, एंड वो भी नहीं हम एग्जामिनेशन, बिकॉज आपको पता है कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम को भी हम उधर नया इंप्लीमेंट करें, एग्जामिनेशन सिस्टम टफ होगा कि बच्चों को डर रहेगा कि पढ़ना चाहिए कि पढ़ेगा, जब बच्चा बैठ के खुद तरीके से जो भी हम प्रोवाइड करेंगे पढ़ेगा, ऑटोमेटिकली उसको अंडरस्टैंड होगा कॉन्सेप्ट, ही विल ट्राई टू नो द बेटर, या हाँ बेटर, उससे बेटर सो होगा। जब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बाय द टाइम उन्होंने सेकेंड ईयर क्रॉस कर थर्ड ईयर आने लगेगा कि उसको ऑटोमेटिकली खुद को एक इंटरेस्ट आ इंटरेस्ट जाएगा। आ जाएगा कि यार मैं तो ये आराम से निकल जाऊंगा, आगे जाके जो भी नेक्स्ट एग्जाम आएगा यूएसएमए आएगा वो डर नहीं होगा, या उसको एक क्लैरिटी तो रहेगा ना, के बाद बिकॉज क्या है उन्हों खुद पूछेगा कि सर हमको वो टीचर प्रोवाइड करो, ये बुक प्रोवाइड करो, उन्हों खुद ढूंढेगा, लेकिन उसके लिए एक बेस का जरूरत है, एक स्ट्रांग फाउंडेशन की जरूरत है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है, ऑल वी आर गिविंग यस द डे वन, सो ए दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल टू ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी आप कोई कंसल्टेंसी में जाएंगे ये सारे क्वेश्चंस पूछने का बहुत ही जरूरी है, ऐसा नहीं कि 15 लाख 13 लाख 14 लाख लेके हम आप नहीं जा सकते, तो आप ये सारे चीज, इट इज नॉट जस्ट मतलब अवेयरनेस रखना है कंपल्सरी पेरेंट्स को भी। टॉप रखना चाहिए, बिकॉज सब लोग बोलते हैं कि यार एक कुक को इधर से मैं लेके गया, जो भी एक नया छोटा फ्लैट ले गया मेस बोल के मैं फोटो दिखाया, वो नहीं है, वही तो। सो एक सिस्टम कितने साल से चल रहा है कि कितना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अप्रोक्सीमेटली कितना ट्रस्ट कर सकते हैं हम। 9,000 लोग खाना खाने के लिए आप एक फ्लैट में नहीं कर सकते, हाँ वही तो। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होने की जरूरत है, ट्रू। नॉट ओनली इन एजुकेशन, मतलब हर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर हेड है, वी ऑल जैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट काम करता है, नहीं तो लाइक हॉस्टल के डिपार्टमेंट काम करता है, एक टीम वर्क होए तो ही ये पॉसिबल होगा, सो टीम वर्क नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये पूछना चाहिए कि ये सब है क्या, मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम क्या है ये अवेयरनेस पेरेंट्स को भी नहीं है, स्टूडेंट्स को भी नहीं है, तो लोग फर्स्ट में देखते हैं कि ओके 15 लाख में हो जा रहा है मैं चले सिर्फ जाऊंगा, पैसा। बाकी कुछ नहीं देखते, जाने के बाद क्या होगा
वो लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, फीस पे करने में प्रॉब्लम हो जाती है, इंडिया आने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, मनी के लिए प्रॉब्लम फेस करते हैं. जब उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगा, जब बच्चा को भी ये बार बार पेरेंट्स को फोन कर रहा है, पेरेंट्स भी यहाँ से उसको भी लगेगा कि वो इंटरेस्ट एजुकेशन में नहीं रख पाएगा, टेंशन हो जाएगा. तो पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग करना, प्रॉपर क्वेश्चनिंग करना, नेक्स्ट एग्जाम क्या है, आप कैसे अडेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन. अच्छा आप यहाँ के नेक्स्ट एग्जाम करेगा कि क्या गारंटी आप दे सकती है कि वो लोग पास होगा. लेकिन कोई बच्चे को हम भी गारंटी नहीं दे सकते. वो स्टूडेंट के ऊपर भी इंटरेस्ट होनी चाहिए कि उन्होंने पढ़े तो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा. लेकिन एटलीस्ट एक हैंड होल्डिंग तो देनी चाहिए कि मैक्सिमम पेरेंट्स को जो हकीकत है वो तो पता होना चाहिए. पता होना चाहिए कि कैसा पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कि हमको भी पता होना चाहिए कि 2000 लोगों को हम एग्जाम कंडक्ट करें तो 5000 लोग पास हो गए, समझिए. हमको भी पता होगा कि यार इतने सारे लोगों में ये कमी है, इतने सारे लोगों तो पास हो सकते हैं, लोगों को भी हम पास करने के लिए और क्या करना पड़ेगा, उनको क्या चाहिए. बिकॉज कोई भी एजुकेशन में कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो गारंटी दे सकते हो. सो क्वालिटी एनवायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए तो गारंटी देना पड़ेगा. ये भी गारंटी नहीं दूंगा बोले तो आपकी तरफ से आप 100% दो. हमारे तरफ से हम जो भी बच्चे को चाहिए, जो क्लास हो, जो मेस हो, जो एजुकेशन हो, जो हॉस्टल हो, जो भी है, हमारे तरफ से देने के लिए हम तैयार है. लेकिन वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स उसको कैसा इस्तेमाल करेंगे, कैसा उसको अडेप्ट करेंगे, कैसा उसको यूज करके बेटर डॉक्टर बनेंगे, सोसाइटी में आके हमारा नाम भी रोशन करेंगे, पेरेंट्स का भी नाम रोशन करेंगे, और खुद के लिए भी एक प्राउड सी फीलिंग होगा आते ही डॉक्टर बोल के. और कोई फैमिली में भी और रिस्पेक्ट डिफरेंट रहे, उस सारा चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको बिहेव करना चाहिए कि डे वन से. तो हम तो वी विल डू अवर बेस्ट. सो स्टूडेंट्स का और पेरेंट्स का भी कोऑपरेशन इक्वली जरूरत है सब हासिल करने के लिए. सो आपकी तरफ से तो आप 100% कोशिश कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू. ऑब्वियसली इससे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा. मुझे लगता है ISM Edutech अभी 17 years हो गया है. 2003 से शुरुआत हुई थी. अभी तो मोर एंड मोर बहुत सारा सक्सेस मिल रहा है. थैंक यू सो मच. ISM Edutech, अब कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा.